हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम अक्सर चीजों को स्टोर करने के लिए कुछ बॉटल्स, कंटेनर्स, डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल ये सारी चीजें हम प्लास्टिक की ज्यादातर यूज कर रहे हैं। पानी, दूध, सोडा जैसे लिक्विड सबसे ज्यादा प्लास्टिक के बॉटल में ही मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको एक बात बताते हैं कि प्लास्टिक की बॉटल्स में लिक्विड का इस्तेमाल करने से क्या नुकसान होता है। एक रिसर्च ने साबित कर दिया है कि पानी और सोडा की बोतलों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक एंटीमोनी और बिस्फेनॉल ए, खूंखार बीपीए, जारी कर सकता है अगर यह लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में है। शोध बताते हैं कि बीपीए हार्मोन के स्तर को बदल सकता है, हृदय की समस्याओं का कारण बन सकता है और यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकता है। तो आप कोई भी बॉटल्स या कंटेनर्स में गर्म लिक्विड ना डालें या अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स का इस्तेमाल करें। आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट्स को ताज़ा लिक्विड या खाना देने की सलाह देते हैं, कंटेनर्स में स्टोर किया खाना या पानी नहीं देने देते, और चाय, पानी ये सब वो थर्मोस में भर कर लाने की सलाह देते हैं, ना कि प्लास्टिक की बोतलों में। तो इस तरह हल्की क्वालिटी या पतली सतह वाले प्लास्टिक कंटेनर्स आपके लिए हानिकारक है और टॉक्सिक साबित हो सकते हैं आपके लिए। हम कई बार गर्म दूध या प्रोटीन शेक, चाय का स्टोर करते हैं बाद में पीने के लिए या कहीं ले जाने के लिए। जिम करने वाले लोग भी प्रोटीन शेक ले जाते हैं प्लास्टिक कंटेनर में अपने साथ। तो आज हम आपके लिए ऐसी ही एक बेहतरीन शेकर बॉटल लेकर आए हैं, टीमेक्स शेकर बॉटल्स। इसे आप शेकर बॉटल या सिपर बॉटल के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसमें आप 500 मिली तक लिक्विड और अपना फेवरेट प्रोटीन सप्लीमेंट मिल रिप्लेसमेंट पाउडर डालकर शेक बना सकते हैं, और बॉटल में क्लियर निशान दिया है कि कहां तक आप भर सकते हैं। इसका सिक्योर लॉक कैप और स्क्री लाइट लीकेज नहीं होने देता। सरल मिक्सिंग के लिए टफेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ रिमूवेबल ड्राई स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। ये बॉटल फूड ग्रेड नॉन टॉक्सिक और फुली रिसाइकिलेबल मटेरियल से बना है और आसानी से क्लीन किया जा सके और डिशवॉशर सेफ डिजाइन किया गया है इसे। तो आप भी प्रोटीन शेक और अन्य सप्लीमेंट स्टोर करके कैरी करने के लिए टीमेक्स शेकर बॉटल का इस्तेमाल करें और मेड इन इंडिया को बढ़ावा दें। धन्यवाद।